ओके अब ये क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डबली मैग्नीफाइड इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर इज अज्यूम एफ टू बी फोकल लेंथ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, दिस इज योर मिरर. ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये एफ है एंड ये टू एफ है. तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दूं मैं, तो उसकी इमेज यहां बनेगी. सो द इमेज विल बी ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये एक पॉसिबिलिटी बनती है. ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, लेट्स कॉपी दिस. सेकंड जो पॉसिबिलिटी है तुम्हारी, कि मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं, तो इसकी जो इमेज बनेगी यहां बनेगी लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट. तो यहां पे मैग्निफिकेशन तुम्हारा माइनस टू है और इधर तुम्हारा मैग्निफिकेशन प्लस टू. ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मुझे दोनों को चेक करना होगा कि मेरा आंसर कौन सा करेक्ट है इन दैट केस. ठीक है, सो इसको मैं केस वन बोल देता हूं. दिस इज योर केस वन एंड दिस इज योर केस टू. Okay, so they're asking, is it an object in image and it's doubly magnified image. So, first case hum solve karte hain. First case mein, magnification kya hota hai tumhara? Minus v by u and that is minus 2. Matlab v kitna mujhe mil jayega? 2u ke barabar hoga. V is equal to 2u. Phir 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by 2u plus 1 by u equal to 1 by f. Okay. So, मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? 3 by 2u equal to 1 by f or u equal to 3f by 2. फिर v कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3f हो जाएगा. तो ये है तुम्हारा 3f by 2 और ये है 3f. तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3f by 2, करेक्ट. तो 3f by 2 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. ओके, अब सेकंड केस चेक करते हैं. सो इन केस टू व्हाट डू वी हैव? मैग्निफिकेशन तुम्हारा है माइनस v by u, दैट इज इक्वल टू प्लस 2. सो v इज इक्वल टू माइनस 2u. ओके, देन 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. ओके, so 1 by minus 2u plus 1 by u equal to 1 by f or 1 by 2u is equal to 1 by f. तुम्हारा u कितना हो जाएगा? f by 2. और फिर v कितना हो जाएगा तुम्हारा? v हो जाएगा तुम्हारा minus 2u, यानी कि minus f. okay, तो magnitude wise अगर हम देखें तो ये distance तुम्हारा f by 2 है और ये distance कितना होगा तुम्हारा? f होगा. ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? अगेन 3f by 2. तो अगेन सेम आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा. तो इन बोथ द केसेस योर आंसर इज सेम ऑप्शन ए. इज दैट क्लियर?